मॉर्निंग बच्चों, मैं क्लास सिक्स एक्सरसाइज 9.1 दशमलव ठीक है। देखिए तीन नंबर तक के सवाल शायद कल लग गए थे, चौथा नंबर 0.48, चौथे का पाठ नंबर 0.48, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो ध्यान से देखिए जरा। ये दशमलव हटा देंगे क्या बचेगा, 48 और 48 के नीचे क्या लिखेंगे, एक। अब एक के आगे उतने ही जीरो लगाने हैं जितने अंक में दशमलव लगा है, तो कितने अंक में दशमलव लगा है बोलिए, दो अंकों में, तो दो अंकों में दशमलव लगा है अर्थात इसमें दो जीरो लगा देंगे। अब काटेंगे इसको, किस पहाड़े से कटेगा, चार के पहाड़े से, चार दूनी आठ, चार पच्चे 20, आंसर आया 12/25। क्या आंसर आया, 12/25, 0.6। फर्स्ट नंबर था, सेकेंड 0.6 बराबर ये 6/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6/10, कैसे कटेगा, 2 से, तो 3 6 5 10 बराबर 3/5, क्या आंसर आएगा, 3/5। ठीक, अगला देखिए तीसरा नंबर 0.33, 0.33 तीसरा नंबर 0.33, इसको दशमलव बदलना है, अभी भी बताया हमने कि इसको लिखेंगे क्या, 33 और बटे क्या लिखेंगे, 1, 33/1, और इसमें कितने अंकों में दशमलव लगा है, दो अंकों में लगा है, दो जीरो लगा, 33/100 क्या हो गया, 33/100। फिर 0.8, 0.8 बराबर 8/10, 8/10 इसको काट देंगे दो के काटे से, दूसरों को 8 5 10 यानी 4/5, 4/5। फिर इसके बाद 0.46 इसको स्वयं लगा लेना, समझ में आया, 0.48 कितने अंक में दशमलव लगा है, दो अंक में, इससे मतलब 48/1 के आगे दो जीरो 48/100 हो जाएगा, और 48/100 को काटेंगे तो किस पहाड़े से कटेगा, 4 से 4 के 4 4 दूनी 8 यानी 12/25 आ जाएगा, क्या आएगा, 12/25। फिर आगे देखिए 0.6 तो बराबर 6/10 6/10 यानी 3/5। फिर 0.33 बराबर 33/100 ये नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह रखा रहेंगे। फिर इसके बाद 0.8 यानी 8/10 बराबर 4/5
कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? चार बटे पांच, आगे देखिए पांचवा नंबर, पांचवे का फर्स्ट, सत्रह दशमलव तीन, सत्रह दशमलव तीन। इसको दशमलव रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बराबर पहले सत्रह लिख दो, इसके बाद दशमलव और तीन, सत्रह दशमलव तीन। उन्नीस और छह दशमा, उनतीस और छह दशमा, उनतीस और छह दशमा, दशमा उनतीस और छह दशमा, तो उनतीस लिख दो। क्या लिख दो? उनतीस और छह दशमा का मतलब होता है उनतीस दशमलव छह, उनतीस दशमलव छह। फिर छह और पांच दशमा, छह और पांच दशमा, छह और पांच दशमा बराबर छह दशमलव पांच, छह दशमलव पांच। और चार दशमा, चौथा नंबर देखिए, चार दशमा बराबर चार, चार दशमा केवल है तो जीरो पॉइंट फोर, जीरो पॉइंट फोर। समझ आया? फिर से देखिए सत्रह दशमलव तीन, तो सत्रह दशमलव फिर आगे तीन, सत्रह दशमलव तीन। फिर उनतीस और छह दशमा, तो उनतीस छह दशमा का मतलब छह बटे दस, छह बटे दस का मतलब दशमलव छह, यानी उनतीस दशमलव छह। और छह और पांच दशमा, छह दशमलव पांच, छह दशमलव पांच। फिर चार दशमा, जीरो दशमलव चार, ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, 215.7। सवाल नंबर छठवें, 215.7।
बराबर, इसको शब्दों में लिखना है, बराबर 215.7। 215.7। आगे 15.6, 15.6 बराबर 15.6, ठीक है। 39.3, थर्ड नंबर 39.3 बराबर 39.3। ठीक है। आप देखिए 215.7, तो पहले हमने 215 लिखा दशमलव, आगे 7, फिर दूसरा नंबर 15.6, तो पहले हमने क्या लिखा 15, फिर आगे दशमलव 6, आगे तीसरा नंबर 39.63, तो 39 लिखा 39.3। अब कौन कौन से सवाल बाकी रह गए, तो चौथे का पांचवा नंबर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा नंबर, चौथे का पांचवा नंबर और छठवें का चौथा नंबर, छठवें का चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा नंबर करके लाना। बहुत सरल अभ्यास है, दशमलव यहीं से शुरुआत हो रही है, तो दशमलव अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज 9.1 समाप्त हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक एक सवाल लगवाएं लगभग पूरे पूरे, ठीक। अब कल एक्सरसाइज 9.2 चालू करेंगे, जो एक आध सवाल दिए गए हैं इनको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।